आप देख सकते हैं पीछे का सीन, मैम्स के पास ही हूँ, तो यहाँ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप सब अच्छे होंगे, बाकी मैं ही मस्त हूँ। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, अभी मैं फिलहाल रायपुर का एम्स में हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी पड़ता है रायपुर। तो रायपुर में एक एम्स है, हर स्टेट में एक्चुअली एम्स होता है। तो मैं इससे पहले गोरखपुर का एम्स का वीडियो बना चुका हूँ, और इससे पहले गोरखपुर, भोपाल और भी कुछ एम्स की वीडियो बनाया हूँ। पर आप वीडियो नहीं देखे हो तो आप आई बटन पर टैप करके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। बाकी आज का जो वीडियो है वो रायपुर का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कहाँ पे ओपीडी है और कितने बजे यहाँ पे आना चाहिए ताकि आपका नंबर लग सके। सारी चीज़ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बाकी गाइस, ये जो आपको मेन रोड दिख रहा है, ये है टाटी बन का मेन रोड। एक्चुअली यहाँ से टाटी बन थोड़ी दूरी पे है, तो जैसे आप टाटी बन आते हैं तो वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा और आपसे 10 रुपये लेगा और फिर आपको एम्स छोड़ देगा, मतलब आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बाकी हम सामने एम्स के सामने खड़े हैं, आप देख सकते हैं लिखा हुआ हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स चिकित्सालय परिसर। तो चलिए अब हम अंदर की तरह एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी चीज़ आपको दिख रही होगी, गेट नंबर 3 एम्स रायपुर, इसी के थ्रू हम अंदर जाने वाले हैं। फिर यहाँ से आपको सारी चीज़ दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। बाकी गाइस, अगर आप गार्ड वाले भैया की बात ध्यान से सुने होंगे तो वो मुझे वीडियो बनाने से रोक रहे थे। बाकी वीडियो बनाने से रोक रहे थे क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। अगर आपको पकड़े गए, कोई देख लिया आपको वीडियो बनाते हुए, तो आपको 500 रुपये भरना पड़ेगा। बट कोई नहीं, 500 रुपये भर देंगे लेकिन बनाएंगे वीडियो ज़रूर। इससे पहले भी और भी काफ़ी मैं एम्स की वीडियो बनाया हूँ, तो इसकी वीडियो हम बना कर ही जाएंगे। एक्चुअल में मुझे यहाँ पर किसी डॉक्टर से नहीं दिखाना है, मैं बस आया हूँ यहाँ की प्रोसेस जानने के लिए, यहाँ कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कब कब आना चाहिए जिससे कि रजिस्ट्रेशन हो सके, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो चीज़ मैं खुद जानने वाला हूँ। बाकी आप अल्ट्रा वाइड मोड से आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा व्यू देखने को आपको मिल जाएगा। साइड साइड में कार की पार्किंग है, साइड में स्कूटी की और बाइक की पार्किंग है। तो गाइस चलिए हम चलते हैं ओपीडी की तरफ, एम्स के ओपीडी में जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। देख सकते हैं सामने भैया है, उसे बिल्डिंग में जाना है। बाकी चल के आगे से आप पूरा चीज़ दिखाते हैं, कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, कितने बजे जाना पड़ता है, सारी चीज़ मैं बताऊंगा आपको एक की वीडियो में। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं ओपीडी की तरफ, ये देख सकते हैं ओपीडी। बाकी साइड साइड में देख सकते हैं कुछ पार्किंग की सुविधा है। बाकी गाइस, आप अंदर से कुछ ऐसा आपको व्यू देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जहाँ भी आपको कुछ लोग देखते हुए नज़र आएंगे, मतलब दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, वो सारे लोग काउंटर पर हैं अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बाकी गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रेट लिस्ट दिया हुआ है, अगर आप इसमें आते हैं, अगर पेशेंट को एडमिट करते हैं तो कितना कितना चार्ज लगता है, सारी चीज़ दिया हुआ है। ये हमारा टोकन नंबर है गाइस, और हम इस टोकन नंबर को दिखा के आप देख सकते हैं, ये है काउंटर, इस काउंटर पे हम अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे। गाइस आप देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम अगर आएंगे तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको ये ऐसा कुछ मिलेगा, इस पर लिखा हुआ है सारी चीज़ें, सोमवार से गुरुवार 8:30 से 11:30 बजे यहाँ पर टाइमिंग दी हुई है। तो ऐसा कुछ आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिलता है, और ये सब अब फिर आपको जाना पड़ता है डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर लिखा हुआ मेरा डिपार्टमेंट है डर्मेटोलॉजी, एक्चुअली मुझे जाना नहीं है, बस मैं ऐसे ही कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। राइट, इसका चार्ज लगता है 10 रुपये। बाकी चलिए चलते हैं आगे, फिर देखते हैं। बाकी गाइस आप देख सकते हैं स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, और मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप देख सकते हैं ये ओपीडी, यहाँ ओपीडी है बट ओपीडी लिखा नहीं है, ये तो ये मुझे सही नहीं लग रहा है। बट यहाँ के आप मतलब यहाँ पर आपको हर जगह गार्ड देखने को मिल जाएंगे, तो आप किसी भी गार्ड से पूछेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका ओपीडी कहाँ है, मतलब ओपीडी कहाँ पड़ता है। आपको हर जगह कोई ना कोई गार्ड देखने को मिल जाएगा। बाकी ये हमारा बिल्डिंग है जो कि हमें मिला था कि आपको इस डिपार्टमेंट पे जाना है। बाकी गाइज आप देख सकते हैं ये रायपुर का एम्स है, काफ़ी बड़ा एम्स है। और तो गाइज हम बाहर निकल चुके हैं, बाकी आप देख सकते हैं वो मेन गेट है, उसके थ्रू हम बाहर निकलने वाले हैं,
और साइड में आपको पार्किंग दिख जाएगा। और एक्चुअली यहाँ पे कॉलेज भी है, इसी कॉलेज एम्स का कॉलेज भी है, तो काफ़ी बड़ा एम्स है, आप ज़रूर एक बार विज़िट करें यहाँ पे अगर आपको किसी पेशेंट को दिखाना हो तो। एक्चुअली यहाँ के डॉक्टर भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी